हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ई वे बिल जनरेशन। ई वे बिल क्या होता है, इसको कैसे जनरेट किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको जनरेट करना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम ई वे बिल जनरेशन पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि जितने भी सी आर्टिकल्स हैं हम सबको एजुकेट कर सकें, सबकी नॉलेज को इनहांस कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप सी आर्टिकल हो या आप सी ए फर्म में जॉब करते हो या आप खुद सी ए हो तो फ्रेंड्स ये चैनल हमारा आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर टी डी एस से रिलेटेड जी एस टी, पी एफ, ई एस आई, आई टी आर, टैली, क्विक बुक्स, पेरोल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तो फ्रेंड्स जितने भी सीए का जितने भी एक सीए फर्म के अंदर वर्क परफॉर्म किए जाते हैं तो उन सभी से रिलेटेड हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो चैनल है हमारा एक वर्चुअल सीए फर्म है जिसके अंदर हम सीए फर्म से रिलेटेड सारे कामों की वीडियो आपको पास लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल नहीं करा है अभी तक सब्सक्राइब तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एप्लीकेबिलिटी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो ई वे बिल की जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स वो केवल और केवल गुड्स मूवमेंट के केस में होती है। फ्रेंड्स, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज के लिए कोई भी ई वे बिल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गुड्स मूवमेंट होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो देन आपको ई वे बिल निकालना है। तो फ्रेंड्स, जो भी आप बिल रेज कर रहे हो, बिल इशू कर रहे हो अपनी बिल बुक से, फ्रेंड्स अगर उसकी इनवॉइस वैल्यू, टोटल वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तभी आपको ई वे बिल जनरेट करना है, अदरवाइज तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना। तो फ्रेंड्स जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, गुड्स का जो मूवमेंट है वो मोटर व्हीकल के थ्रू होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप रिक्शे में अगर लेके जा रहे हो अपना सामान या जो गुड्स है उनका मूवमेंट रिक्शे में हो रहा है तो फ्रेंड्स वहां पर आपका ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, ई वे बिल जो एप्लीकेबल है वो केवल और केवल मोटर व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मोटर व्हीकल्स के थ्रू गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो फिर आपका ई वे बिल कंपल्सरी है, अगर उसकी 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु कैन जनरेट ई वे बिल। फ्रेंड्स, ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है, तो फ्रेंड्स सप्लायर, रिसीवर या ट्रांसपोर्टर, तीनों ही के पास ऑप्शन है कि वो अपने अपने बिल जनरेट कर सकते हैं। तो मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स वो सप्लायर की है। अगर आपको सप्लायर 50,000 से ज्यादा की इनवॉइस रेज करता है तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है कि वो आपको इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी दे। लेकिन अगर सप्लायर अनेबल है ई वे बिल देने में तो रिसीवर अपने हैंड पर अपने जीएसटी लॉगिन से ई वे बिल निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टर, अगर फ्रेंड्स जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है वो किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू हो रही है तो फ्रेंड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ई वे बिल जनरेट करके दे। फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो ई वे बिल की वैलिडिटी है वो डिस्टेंस किलोमीटर्स, मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है मूवमेंट के बीच, उस पर बेस्ड करती है। अगर आपकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर या उससे कम है तो आपके जो ई वे बिल की वैलिडिटी है वो 1 डे की होगी। और फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आपकी 200 किलोमीटर की है तो 2 दिन की वैलिडिटी, 300 किलोमीटर है तो 3 दिन की वैलिडिटी, 400 किलोमीटर है तो 4 दिन की वैलिडिटी। तो फ्रेंड्स जो ई वे बिल की वैलिडिटी होती है वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि जो गुड्स है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमारे पास इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद gst.gov.in, तो फ्रेंड्स जो जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वो वेबसाइट यहाँ पे टाइप करी है और इस वेबसाइट पर मैं आने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना ई वे बिल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क की जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ से फ्रेंड्स ई वे बिल सिस्टम वाली टैब पे हमें ओपन करना है। फ्रेंड्स इस टैब को, ये टैब ओपन करने के बाद
यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टू ई वेबिल पोर्टल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इस तरीके से हम ई वेबिल पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा ई वेबिल पोर्टल आ चुका है। हम यहाँ से करेंगे फ्रेंड्स हम लॉग इन। तो लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपने पहले ही बना रखे होंगे, तो जो भी आपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स बनाए हैं उनका यूज करते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लॉग इन करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये लॉग इन हो चुका है ईवेबिल पोर्टल पे। पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछ रहा है, नहीं हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना, हमें सिंपल होम पे आ जाना। तो फ्रेंड्स हम होम पर आ चुके हैं और फ्रेंड्स हमें करना है ईवेबिल जनरेट। तो यहाँ पे काफी सारी टैब्स हैं जो आपको दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स हमें करना है ईवेबिल पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर हमें जाना है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू पे करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारा ईवेबिल का फॉर्म है ये ओपन हो जाता है। और फ्रेंड्स ईवे बिल जो हमें ओपन कर जो हमें ईवे बिल बनाना है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो आपने सेल करी है उसके लिए बनाना है, या फिर इनवर्ड सप्लाई। अगर रिसीवर ईवे बिल बनाते हैं तो वो इनवर्ड सप्लाई के थ्रू बनाएंगे, और अगर सेलर ईवे बिल बनाता है तो फ्रेंड्स वो आउटवर्ड सप्लाई के थ्रू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिटेल देनी है आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। अगर मैं सेलर हूँ और मैं ईवे बिल बना रहा हूँ तो मैं आउटवर्ड, और अगर मैंने माल परचेज करा है और मैं ईवेबिल निकालता हूँ तो मैं इनवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आउटवर्ड में जाएंगे। आउटवर्ड का फ्रेंड्स हमें ईवेबिल जनरेट करना है। आउटवर्ड में जाने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मतलब जो इनवॉइस नंबर है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर फिल करना है अपना, जो हमारा इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर डाल दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा फर्म का नाम, तो फ्रेंड्स ये फर्म का नाम ऑटोमेटिक पिक होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनवर्ड में एक बारी क्लिक करा और एक बारी फिर मैंने आउटवर्ड में क्लिक करा, तो इस वजह से मेरी फर्म का नेम मुझे नहीं दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आउटवर्ड में जाके और यहाँ पे मैं फर्म का नेम डाल देता हूँ, ये फर्म का नेम। फ्रेंड्स ये मेरी फर्म का नेम आ चुका है। उसके बाद ये मेरा डिटेल आ गई। उसके बाद बिल टू, फ्रेंड्स हमने बिल किसको रेज करा है, तो हमें बस यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर डालना है और कुछ नहीं डालना फ्रेंड्स, हम बस जीएसटी नंबर डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये जैसे ही मैंने जीएसटी नंबर डाला, तो जीएसटी नंबर डालते ही फ्रेंड्स हमारा खुद पर खुद सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाती है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे अपनी डिटेल, मैंने अपना जीएसटी नंबर डालने के बाद मेरा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गुड्स की डिस्क्रिप्शन देनी है। फ्रेंड्स जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी गुड्स की, तो वो आप यहाँ पे देने वाले हो, जो भी फ्रेंड्स अगर क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स। या फिर आपने कोई मशीन खरीदी है तो फ्रेंड वो मशीन। फिर यहाँ पे उसका एचएसएन कोड, फ्रेंड्स जो भी उसका एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड, उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो अगर लेट से 40 किलो की मशीन है तो 40, और यहाँ पे लिख देंगे केजीएस। उसके बाद उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे केजीएस लिखना था। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो फ्रेंड्स 40,000 की टैक्सेबल वैल्यू दिखा देते हैं। उसके बाद रेट, किस रेट पे है फ्रेंड्स वो टैक्सेबल है गुड्स, तो वो रेट हम यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें कोई दूसरे आइटम यहाँ पे ऐड करनी है तो वो यहाँ प्लस आइकन से जाके आप दूसरे आइटम या दूसरी मशीन जो भी है आपकी, वो यहाँ पे इस तरीके से आप दूसरे आइटम भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे जितने आइटम चाहें वो आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आइटम्स ऐड करने के बाद फ्रेंड्स ये होती है हमारी पार्ट ए डिटेल, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स पार्ट ए। तो फ्रेंड्स ये जो डिटेल आपको दिख रही है ये है फ्रेंड्स पार्ट बी डिटेल। फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है ये ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा। आप इसमें चेंज कर सकते हैं केवल 10% ऊपर या 10% नीचे। तो फ्रेंड्स अगर मैं चाहूँ तो 7.2 या फिर 9.8, इस तरीके से हम डिस्टेंस में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो जो डिस्टेंस में जो चेंज एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, जो डिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं वो केवल 10% घटा या बढ़ा सकते हैं।
उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रेल के थ्रू, या एयर के थ्रू कर रहे हैं हम, या शिप। उसके बाद व्हीकल टाइप रेगुलर व्हीकल टाइप है या फिर ओवर डाइमेंशनल कार्गो है। उसके बाद व्हीकल नंबर, तो फ्रेंड जो भी व्हीकल नंबर है वो व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल देंगे हम। ये फ्रेंड हमने व्हीकल नंबर डाल दिया है। उसके बाद बस फ्रेंड्स ये हमारा फिल हो चुका है ये बिल का फॉर्म, अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं सब टाइप सप्लाई, तो फ्रेंड्स को यहाँ से बात कर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई थी हमारी, तो आउटवर्ड एंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स पहले हम मेरे को अपने प्रोडक्ट डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं वहाँ पे सब टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सब टाइप है मेरी सप्लाई। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपने जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देंगे हम, उनकी जो HSN वैल्यू है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड अब चाहिए मेरे को दोबारा फिल करना होगा फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ। उसके बाद मशीन का HSN कोड क्या है, फिर यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है और वो किलोग्राम में है। तो भैया फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिट ली फ्रेंड्स। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ले ली हमने यहाँ से, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रेट, और उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी नंबर पहले फिल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबमिट जैसे ही, तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ही मैंने सबमिट करा मेरा ई वे बिल यहाँ से जनरेट हो चुका है, अब हम इसको फ्रेंड्स प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट होने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, आप कितने आसानी से ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, कितना आसान है ई वे बिल जनरेट करना। तो फ्रेंड्स ये पार्ट ए की डिटेल है और ये हमारी पार्ट बी की डिटेल है। फ्रेंड्स ई वे बिल में चेंज पॉसिबल नहीं है, अगर आप एक बार ई वे बिल निकाल देते हैं तो उसको कैंसिल करके आपको नया ई वे बिल निकालना होगा। लेकिन अगर आप पार्ट बी चेंज करने जा रहे हैं तो पार्ट बी चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ई वे बिल है उसमें केवल और केवल पार्ट बी आप चेंज कर सकते हैं, पार्ट ए उसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने कोई रॉन्ग एंट्रीज के अंदर कर दी है तो आपको ये बिल कैंसिल करके एक नया बिल, ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ई वे बिल निकालते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से ई वे बिल निकालते हैं। तो फ्रेंड ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट हुई है, फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जितने भी सी आर्टिकल्स हैं या जो सी ए स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, फ्यूचर में हम ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फ्रेंड्स वीडियो पे कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। फ्रेंड्स आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।